अच्छा, तो ये मैंने क्या कर दिया, एक फोल्डर बना लिया जिसमें बूटस्ट्रैप लिखा हुआ है, नाम उसका बूटस्ट्रैप है, उसमें बेसिक एचटीएमएल जो मैंने एक लगानी थी वो मैंने लगा दी है यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद मैं बूटस्ट्रैप की जो वेबसाइट है उस पर वापस आता हूँ। ये बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है जो मैंने खोली है आपके सामने, getbootstrap.com इसका नाम है। यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड का एक ना सेक्शन है इनके डॉक्यूमेंट का, उस पर चला जाता हूँ। अच्छा, ये कुछ इंट्रोडक्शन है भाई। गेट स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट साइट विद JS डेलीवर एंड अ टेम्पलेट स्टार्टर पेज। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर को तो फिलहाल आप इग्नोर करें क्योंकि ये तो हर कोई बोलता है तो मोस्ट पॉपुलर शायद नहीं है लेकिन काफ़ी पॉपुलर है। अच्छा, और इन्होंने क्या जिक्र किया कि फ्रेमवर्क है। ठीक है, फ्रेमवर्क होने पे भी मुझे तो खैर एतराज़ है कि फ्रेमवर्क नहीं है ये। वेल, क्विक स्टार्ट में इन्होंने एक लिंक मुझे दिया हुआ है यहाँ पे, इस लिंक को मैंने कॉपी किया। ये CSS का एक लिंक है, एक बनी बनाई CSS की फाइल है जिसका लिंक है ये, और इसको आके मैंने कहाँ पे अप्लाई कर दिया, हेड के अंदर मैंने इसको चपका दिया लिंक को लगे। अच्छा, उसके बाद एक अदद JavaScript की फाइल है, ठीक है, ये लिंक है छोटा सा, इसको भी मैंने कॉपी किया और कॉपी करके कहाँ ला के चिपका दिया, अपने हेड में मैंने ला के चिपका दिया इसको। ठीक है, सेव। अच्छा, ये दोनों लिंक मेरे लग गए, मेरी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है बूटस्ट्रैप की। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा, इसके बाद मैं जाऊँगा अपने कंपोनेंट्स के अंदर। अच्छा, यहाँ पे कंपोनेंट्स कहाँ पर है भाई, कंपोनेंट्स, ये रहा। अच्छा, कंपोनेंट के अंदर जाने के बाद बटन्स जहाँ पे लिखा हुआ है, मैं सबसे पहले एक बटन बनाकर देखता हूँ। CSS लगाए बगैर जो बटन होता है वो आप सब लोगों ने देखा हुआ है कि एक प्लेन सा सादा सा HTML का जो बटन होता है। अच्छा, बूटस्ट्रैप क्या करता है, आपको ना बटन ऐसा खूबसूरत सा बटन बना के देता है। अच्छा, करते क्या हैं आप, बहुत ही आसान सा काम करते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप जाके बनाते हैं अपनी स्क्रीन पे एक अदद बटन, ठीक है, उसके अंदर आप लिख देते हैं क्लिक मी, थोड़ा सा जूम इन भी कर देता हूँ। ठीक है, इस बटन के अंदर आपने लिख दिया क्लिक मी। ठीक है, टाइप आपने इसकी बता दी भाई ये बटन है। ठीक है, टाइप बटन ना भी लगाएं तो वो समझ जाता है गूगल क्रोम, लेकिन फिर भी मैंने लगा दिया। अभी तक इसमें बूटस्ट्रैप वाला बटन शो नहीं होगा। ठीक है, ये मेरे पास कॉपी पाथ कर लेता हूँ इसको मैं, और कॉपी पाथ करके इस डॉक्यूमेंट को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। आप नोट करें, अभी तक जो मेरे पास बटन बना हुआ है वो एक वही वाला बटन है जो बगैर CSS के होता है। अच्छा, अब इसमें मैं ऐसा क्या लगाऊंगा कि ये बूटस्ट्रैप इस पर अप्लाई हो जाएगी, एक अदद क्लास लगाऊंगा इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैं आया। ठीक है, टाइप बटन की वैसे ज़रूरत नहीं होती, उसको हटा देता हूँ, जस्ट ये क्लास लगा देता हूँ। ये मैंने लगा दिया, कितनी क्लासें लगी हुई है इस पर, दो, एक बटन BTN, उसके बाद स्पेस डाल के आप स्पेस देंगे ना जितनी क्लासेस चाहें आप लगा सकते हैं। दूसरी क्लास है बटन प्राइमरी, इसको मैंने लगा के सेव किया, और अब जब आके मैं इसको देखूंगा तो ये बटन क्या हो चुका है, खूबसूरत हो चुका है, इस पर बूटस्ट्रैप अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से अब एक बटन और है यहाँ पे इनके पास, जिसका नाम है बटन सेकेंडरी। अगर आप इसको जूम करके देखें तो यहाँ पे ना सारे बटन वही हैं, लेकिन हर बटन के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक क्लास लगी हुई है बटन, और एक लगा हुआ है बटन सक्सेस, बटन डेंजर। तो अगर मैं बटन और बटन डेंजर उठा लूँ यहाँ से, और मैं जाके इसको क्या कर दूँ, अपने पास एक बटन लगा लूँ और उस पर ये वाली क्लास अप्लाई कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, ये बटन मुझे कुछ लाल कलर का दिखना शुरू हो जाएगा इस तरह का। ठीक है, और जब आप इसको क्लिक करेंगे अब, तो क्लिक करने पे इसके कुछ आपको एनिमेट होता हुआ भी पीछे दिखना चाहिए, वेल वो दिख नहीं रहा, पता नहीं क्यों, कोई एक चीज़ शायद मैंने मिस कर दी है जिसकी वजह से ना वो मुझे एनिमेट होता है, वो थोड़ा सा ना एनिमेट नहीं हो रहा है। एक दफ़ा इंस्टॉलेशन में जाके देखता हूँ, मैंने कुछ मिस कर दिया है वहाँ पर। हाँ, CSS का लिंक लगा दिया मैंने, ये वाला लिंक भी लगा दिया।
सही है, मैंने मिस तो नहीं की कोई चीज़। मगर ये ना, ये जो जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर, ये जो आके खड़ा हो जा रहा है, इसको ना ऐसे रुकना नहीं चाहिए यहाँ पे। वेल मे बी मैंने ये स्क्रिप्ट को ना गलत जगह पे लगा दिया। सही तो है सब कुछ, इनका प्रेस करके देख लेते हैं बटन, मे बी उन्होंने अपडेट कर दिया हो कुछ। भाई हाँ यार, इनका भी ऐसा ही है, बड़ा अजीब सा दिख रहा है ये। या मे बी मेरे ब्राउज़र में कुछ ऐसी सेटिंग हुई भी है जो उसको एनिमेट नहीं करने दे रही, मे बी। वेल तो जब इनका भी सेम है वहाँ पे, तो खैर है फिर, मतलब हम सही लगा रहे हैं। पहले ना ये रिपेल होता था थोड़ा सा, ना रिपेल इफेक्ट आता था, यूँ गिड़िम 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 ऐसे करके फील करता था ये। अच्छा अब जरा ये नीचे ना बटन और भी बहुत सारे हैं इसके, लेकिन हर बटन में आपको एक चीज़ कॉमन दिखेगी, वो क्या है कॉमन? एक अदद क्लास। अब सुन लो बूटस्ट्रैप की डेफिनेशन क्या है। बूटस्ट्रैप CSS की एक लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारी क्लासेस पहले से बना के उन्होंने रख दी हैं, ठीक है। आप कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं उस पर वो क्लास अप्लाई करते हैं, वो कंपोनेंट खूबसूरत सा हो जाता है बूटस्ट्रैप में, जैसा दिखाया गया वैसा हो जाता है, ठीक है। अच्छा मिसाल के तौर पे हमने बटन्स देखे हैं अभी तक, और कौन कौन से कंपोनेंट पे ये लग सकता है? बटन ग्रुप, यानी तीन चार बटन एक साथ लगाना है आपको ना, देखें तीन बटन इस तरह लगे हुए हैं, तो इसको आप ऐसे करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं सिंपल इसको कॉपी करूंगा और कॉपी करके जाके मैं अपने पास पेस्ट करूंगा, ये बिल्कुल इसी तरह खुलेगा मेरे पास भी। अच्छा यहाँ पे एक्चुअली हुआ हुआ क्या है, एक डिव है, उस डिव के ऊपर भी क्या लगा हुआ है, एक अदद क्लास लगी हुई है, और वो क्लास क्या, बटन ग्रुप। फिर उसके अंदर बटन बने हुए हैं, सिंपल सिंपल बटन है, लेकिन उस बटन पर क्या लगा हुआ है, बटन प्राइमरी, ठीक है, बटन प्राइमरी, बटन प्राइमरी। अब एक को मैं कर देता हूँ बटन डेंजर कर देता हूँ एक को मैं, ठीक है, देखते हैं फिर क्या होता है। मेरे पास जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो मेरे पास बिल्कुल सेम उसी तरह बना हुआ है, लेकिन मेरे पास जो लास्ट वाला बटन है वो रेड हुआ हुआ है, क्योंकि मैंने उसकी क्लास चेंज कर दी थी। तो हमने यहाँ पर भी यही नोट किया कि भाई बहुत सारी क्लासेस बनी हुई हैं और वो बस लगा के देखना है ना। अच्छा भाई कोलैप्स करके एक चीज़ है, ठीक है, कोलैप्स करके जो चीज़ है वो क्या है, वो कुछ इस तरह की है, ठीक है। बटन दबाते हैं आप, नीचे से कुछ चीज़ है वो शो हो जाती है, बटन दबाते हैं हाइड हो जाती है, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कोलैप्स। फिर आपके नीचे यहाँ पे मल्टीपल कोलैप्स, ठीक है, एक साथ दो दो तीन तीन लगे हुए। अच्छा उसके अलावा एकॉर्डियंस करके एक चीज़ है, एकॉर्डियंस क्या है, इस तरह की चीज़ है, ठीक है। इसको आप कैसे लगा सकते हैं, ये कोड है इसका, और इस कोड में वही चीज़ कॉमन है अगेन, वो क्या चीज़ कॉमन है, क्लास एकॉर्डियन, उसके अंदर जो है वो एकॉर्डियन आइटम, उसके अंदर एकॉर्डियन हेडर, और उसके अंदर एकॉर्डियन कोलैप्स। तो ये क्या हमारा बना, एकॉर्डियन, एकॉर्डियन आइटम, और फिर उस आइटम का हेडर और उसका एकॉर्डियन कोलैप्स। तो ये इस तरह करके भाई सेटिंग है। अब ये जितना तीन चार पाँच जितना आपको बनाना है उतनी बार आप रिपीट करें बन जाएगा वो, सही है। और कोई हम एक दो देख लेते हैं, कार्ड्स देख लेते हैं भाई, ठीक है। ये कुछ इस तरह का कार्ड भी आप इसमें बना सकते हैं ना, ठीक है। इमेज नहीं लगाई इन्होंने, पता नहीं क्यों, इमेज लगा के दिखाते तो ज़्यादा सही लगता। वेल तो इस तरह का कार्ड अगर आपको बनाना है अपने पास HTML के पेज पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये उसका कोड है, देख लेते हैं ज़रा कोड में, ठीक है। क्लास कार्ड, ये कार्ड वाली क्लास कहाँ से आई, बूटस्ट्रैप से। अगर मैं बूटस्ट्रैप की वो दो लाइनें हटा दूँ ना अपने HTML से, तो ये सब क्लासें मुझे फिर नहीं मिलेंगी, ठीक है, ये सब वहीं से आ रहा है क्लास में से। अच्छा फिर उसके अंदर क्लास डिव, एक डिव पे लगी हुई है क्लास कार्ड, उसके अंदर एक इमेज है और एक और डिव है, लेकिन उस इमेज पे भी कुछ कुछ ना कुछ क्लास लगी हुई है, ठीक है। फिर उसके अंदर डिव है उसमें भी क्या लगा हुआ है, कुछ क्लास लगी हुई है, उसका जो टाइटल है उसमें भी कुछ क्लास लगी हुई है, फिर उसमें भी कुछ क्लास लगी हुई। ये क्लासेस का गेम है सारा, पहले से लिखी हुई CSS है, उनके क्लासेस के जो नाम है ना वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट हुए हैं। जो बूटस्ट्रैप का डॉक्यूमेंट है वो क्या है, वो उन क्लासेस का डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने पहले से लिख के रखा हुआ है। आपको जस्ट उसको देखना है और प्रॉपरली अप्लाई करना लग जाएगा वो, ठीक है। ये सिंपल CSS से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा भाई और हम देख लेते हैं कोई एक के करीब, स्पिनर, एक स्पिनर करके चीज़ है, लोडर की तरह घूमता है जो,
ये स्पिनर है भाई हमारा, ठीक है। जब कोई आप इंटरनेट पर रिक्वेस्ट भेजते हैं तो थोड़ी देर के लिए उसको आप डिस्प्ले करा देते हैं, जब रिस्पॉन्स आ जाता है बोलते हैं डिस्प्ले नन हो जाओ भाई तुम गायब हो जाओ, ठीक है। तो इस तरह करके आप उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। यहाँ पे भी हमने वही चीज़ कॉमन देखी है, एक डिव है उस पर क्या लगी हुई है क्लास स्पिनर बॉर्डर टेक्स्ट प्राइमरी, उसके अंदर एक स्पैन है विजुअली हिडन और उस पर लिखा हुआ लोडिंग, ठीक है। ये अंदर वाली चीज़ जब दिखेगी, जब किसी भी ब्राउजर पर लोड नहीं हो पाएगी सी एस एस तो वह टेक्स्ट लिखा हुआ जाएगा उसकी जगह पर लोडिंग, ठीक है। ये हमने देख लिया, अब एक चीज़ हम और देख लेते हैं, पूरा बूटस्ट्रैप कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट। जो बूटस्ट्रैप के दो मेन फीचर हैं उसमें से एक हम देख चुके हैं, इसमें कोई सवाल तो नहीं है किसी का। अब ये जितने कंपोनेंट हैं ये वक्तन फवक्तन ऐड भी करते हैं नए कंपोनेंट, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट को अपडेट भी करते हैं, तो वो जो नया वाला वर्जन होगा जब आप जैसे मैंने लिंक लगाया ना उसके अंदर आप गौर करें, एक वर्जन लिखा हुआ है यहाँ पे ना, देखें एक वर्जन लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप 5.1.3। तो 5.1.3 में ना उन्होंने रिपल ख़त्म कर दिया, जैसे मैंने जिक्र किया था कि उससे पहले वो बटन क्लिक पे रिपल करता था, अभी उन्होंने चेंज कर दिया। तो अभी नया वाला, आपको पुराना वाला चाहिए आप पुराना वाला डाउनलोड कर लो, लिंक होता है इनके अंदर कहीं ना कहीं रखा हुआ होगा लिंक इन्होंने, तो पुराना वाला भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, ठीक है। किसी प्रोजेक्ट में अगर पुराना लगा हुआ है तो वो चलता रहेगा, वो बंद नहीं होता जी। हाँ हाँ, ये जे एस डेलीवर का लिंक है, जे एस डेलीवर ना एक थर्ड पार्टी कंपनी है, ये बूटस्ट्रैप वालों का अपना नहीं है, ये जे एस डेलीवर ये थर्ड पार्टी कंपनी है, इनका काम ही है ये सी डी एन जमा करते हैं ये सबके, ठीक है। तो ये सी डी एन कभी एक्सपायर नहीं होता, ये सही रहता है। एज सुन एज ये वर्जन मेरा लिखा हुआ है ना यहाँ पे 5.1.3, तो अगले वर्जन में जो भी चेंज करेंगे वो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा जैसा ही है अभी, ठीक है। मैं 10 साल तक भी अगर इसको चेंज ना करूँ इस वर्जन को तो ये मुझे इसी तरह ही मिलता रहेगा जो जो इसमें है। जब वो नया वर्जन आएगा तो मुझे यहाँ चेंज करना होगा उसको अपडेट करने के लिए, जब जाके वो नई वाली चीज़ें मेरे पास अपेयर होंगी। पीछे देख सकते हैं सी एस एस, क्यों नहीं देख सकते, ये इस पर लिंक पर कंट्रोल क्लिक कर दो, ये खुल गई सी एस एस सारी। अच्छा, ये मिनीफाई हुई भी है इस वजह से इस तरह की दिख रही है ये, इसका बगैर मिनीफाई वाला भी वर्जन मिल जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, इसका बगैर मिनीफाई। मगर ये फाइल बहुत बड़ी फाइल है, इसके अंदर बिला वजह मुंह डालने का फ़ायदा नहीं है, वो डॉक्यूमेंट से देखो वही ज़्यादा बेहतर है। सी एस एस लिखी हुई है, मिनीफाई हुआ ना, वो एक टेक्निक होती है मिनीफिकेशन की, वो हुआ उसमें, इसलिए तुम्हें वो कचरा कीड़ा मकोड़ा लग रहा है, वो सी एस एस नॉर्मली, ठीक है। अच्छा, इसमें से मैं लास्ट में से ये मिन हटा दूंगा ना तो वो बगैर मिनीफिकेशन वाला खुल जाएगा, ये लो कंट्रोल क्लिक कर दिया मैंने, नॉर्मल वाला खुल गया, ठीक है। अब लग रहा है सी एस एस, ये सी एस एस ही है नॉर्मल, कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन मसला ये है, अब ये एक एक सी एस एस को कहाँ ढूंढोगे कि कौन से पे क्या लगा हुआ है, वो डॉक्यूमेंट में उन्होंने जब इतने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है तो बिला वजह यहाँ जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, एक पर्सपेक्टिव ये हमने देख लिया, दूसरा है लेआउट। लेआउट कौन सा वाला लेआउट? जो फ्लेक्स बॉक्स का लेआउट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो लेआउट, ठीक है। अच्छा, बूटस्ट्रैप में हमने अभी तक जो लेआउट के बारे में पढ़ा है या डिस्कस किया है उसमें हमने दो तरह के लेआउट देखे हैं। नंबर एक फ्लेक्स लेआउट, जिसमें क्या होता है एक कंटेनर होता है और वो दो एक्सेस में ऊपर या नीचे हो सकता है, ठीक है। एक वक्त में अगर उसका जो डिफॉल्ट एक्सेस है वो ऐसे वाला है तो मैं किसी बॉक्स को या तो इधर कर दूंगा या तो इधर कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं एक्सेस उसका यूं कर दूँ जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था, अगर ऐसे कर दूंगा तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी आइटम को या तो नीचे या तो ऊपर कर सकता हूँ, तो दो एक्सेस में चलता है। एक हमने पढ़ा था सी एस एस की एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ग्रिड, या जिसको हम 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। उस वो एक सिस्टम होता है वो 3 एक्सेस पे चलता है, यानी वो एक वक्त में ऐसे भी हो जाएगा और वो ऐसे भी ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो दो हमने पढ़ा था, ग्रिड वाले को हमने करके नहीं देखा था, जस्ट हमने उसकी बात की थी, प्रैक्टिकली हमने फ्लेक्स बॉक्स को करके देखा है। अच्छा, तो ये जनरल सिस्टम्स हैं हमारे पास ना, जो बॉक्सेस को अलाइन करने के लेआउट को बनाने की ये जनरल सिस्टम्स हैं। बहुत सारे फ्रेमवर्क सिस्टम को सपोर्ट करते हैं,
मिसाल के तौर पे हमने जो फ्लैक्स बॉक्स अभी पढ़ा है वो सीएसएस में हमने खुद से हाथ से लिखा है फ्लैक्स बॉक्स। बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं जब आप उसमें कोड लिखते हैं तो वो पीछे फ्लैक्स बॉक्स को इस्तेमाल करते हुए आपके लेआउट को बनाता है। मिसाल के तौर पे मटेरियल यूआई जो हम रिएक्ट पढ़ेंगे, जब उसके बाद हम मटेरियल यूआई पढ़ेंगे, तो मटेरियल यूआई में जब आप काम करते हैं तो बहुत सारा टाइम पे उसमें क्या हो रहा होता है, पीछे बैकएंड पे फ्लैक्स बॉक्स इस्तेमाल हो रहा होता है और उसके ज़रिए वो काम कर रहा होता है। अच्छा, इसी तरीके से बहुत सारे फ्रेमवर्क्स ऐसे हैं जब इस पर आप काम कर रहे होते हैं तो वो पीछे ग्रिड इस्तेमाल करते हैं, कुछ फ्रेमवर्क हाइब्रिड अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। तो बूटस्ट्रैप क्या करता है ज़रा वो देख लेते हैं। बूटस्ट्रैप का जो लेआउट है ना, इसमें चार पांच ये चीज़ें हैं, इसको हम ज़रा देखते हैं और फिर हम छुट्टी करते हैं। सबसे पहले है ब्रेक पॉइंट्स, ठीक है। ब्रेक पॉइंट्स जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्क्रीन के खास स्क्रीन के साइज़ पे आके ना वो ब्रेक करेगा, यानी इसके पीछे क्या लगी हुई है, मीडिया क्वेरी, ठीक है। मीडिया क्वेरी हमने हाथ से लिखना सीख लिए, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह का है, ठीक है भाई। अच्छा, इसमें जब आप लगाते हैं तो कुछ इस तरह से कोड लिखते हैं आप, उसमें हम ये तो उसको तो छोड़ दो ना, ये तो वैसे ही है। मतलब ये असल में इन्होंने क्या किया हुआ है कि बताया हुआ है कि स्मॉल डिवाइस पे इस तरह, मीडियम डिवाइस पे इस तरह, लार्ज पे इस तरह, लेकिन वर्किंग एग्जाम्पल वो इधर है। वर्किंग एग्जाम्पल क्या है, इधर है। हम उसमें क्या लिखते थे, एट द रेट मीडिया, और फिर हम कुछ स्क्रीन लिखते थे, फिर हम पिक्सल में साइज लिखते थे। इसमें थोड़ा मुख्तलिफ है, इसमें एट द रेट इंक्लूड मीडिया ब्रेक पॉइंट अप SM, अप का मतलब है कि ऊपर, और SM का मतलब है स्मॉल डिवाइस, कि स्मॉल डिवाइस से ऊपर ऊपर अगर हो ना तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। काम सेम वही हो रहा है, लिखने का तरीका अलग है और बूटस्ट्रैप के डोमेन में रहते हुए हो रहा है। बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी अगर आपके पास अटैच नहीं होगी ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इस पर बहुत लंबी डिस्कशन हम कर चुके हैं। वही सारा काम यहाँ पे भी इन्होंने लिखा है और यहाँ पे भी वो सारा काम हो सकता है, ठीक है। ये देखें आप, एट द रेट मीडिया ब्रेक पॉइंट ओनली, ठीक है। एक था अप या डाउन, वो कहेगा भाई ओनली एक्स्ट्रा स्मॉल पे चले। अच्छा, एक्स्ट्रा स्मॉल की डेफिनेशन वो शुरू में आप बता चुके हैं, कैसे बता चुके हैं वो आप ये ऐसे बता चुके हैं, ये रहा, ये आपने खुद ही लिखा है, मतलब अपने कोड में आपको लिखना पड़ेगा ये। अच्छा, ये आप नहीं लिखेंगे तो डिफ़ॉल्ट भी उनका एक है, वो यही डिफ़ॉल्ट है असल में, ठीक है। तो आप नहीं भी लिखेंगे तो वो काम करेगा स्टिल, ऐसा नहीं है कि वो स्मॉल डिवाइस पे बोलेगा यार स्मॉल डिवाइस क्या होती है, मना नहीं करेगा आपको, बट कुछ ना कुछ। अच्छा, तो ये हमने क्या देख लिया, इसका ब्रेक पॉइंट देख लिया, जिसके बैकग्राउंड पे ऑफकोर्स मीडिया क्वेरी इस्तेमाल हो